बताया जा रहा है कि गाजीपुर जहां पर पुलिस ने एक आज महिला समेत चार लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा और कई कारतूस बरामद किए हैं। मामला बहरियादाबाद थाना क्षेत्र के भाला बुजुर्ग गांव का है, जहां पिछले 5 मार्च को बोरे में अधेड़ का शव मिला था। आरोपियों ने रुपयों के लेन देन में अधेड़ को गोली मारकर हत्या कर दी थी और शव को बोरे में बंद कर सड़क के किनारे फेंक दिया था। मृतक आजमगढ़ का रहने वाला था। ये दिनांक 5/3/19 को थाना बहरियाबाद के ग्राम भाला बुजुर्ग में एक अज्ञात शव बोरे में मिला था, बरामद हुआ था। उसके बारे में पुलिस द्वारा धारा 302-201 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी विवेचना इंस्पेक्टर बहरियाबाद जयचंद भारती द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना क्रम में पता चला कि थाना कमरिया, ग्राम कमरिया थाना तरवा के ये मृतक था। इसका नाम मुकेश सिंह था और उसी गांव के रहने वाले संदीप गुप्ता, विजय गुप्ता से इसका कुछ लेन देन का विवाद था। ये दिनांक 5 को पैसा लेने गया था और संदीप गुप्ता, विजय गुप्ता, उसकी पत्नी सुनीता गुप्ता और एक साहब राज यादव, एक अन्य व्यक्ति के द्वारा घर में ही गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई और मृतक की मोटरसाइकिल से शव को छिपा करके बोरे में भर करके ला करके थाना बहरियाबाद में फेंक दिया गया। पुलिस द्वारा विवेचना क्रम में इसके घर से ब्लड स्टेन बरामद किया गया। मृतक के पास जो रुपए थे 11,000 के लगभग, वो बरामद किए गए। घटना में प्रयुक्त आला कतल, कट्टा 315 बोर और एक 9mm की पिस्टल और कारतूस बरामद की गई तथा मृतक की जो मोटरसाइकिल थी उसका अभियुक्त गणों द्वारा पार्ट खोल के छत पर रखा गया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम द्वारा उसका पूरा परीक्षण किया गया है। ये सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा।